तो आज हम आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जगह दिखाने जा रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर कोई चोर हो और वो चोरी करे तो उस सामान का वो क्या करेगा? वो छुपाएगा उसको, राइट? वो एग्जीबिशन तो नहीं करेगा ना। लेकिन ब्रिटेन ने ऐसे किया है, जो भी उन्होंने इंडिया से या नाइजीरिया से या हांगकॉन्ग से या अफ्रीका से जो भी उन्होंने माल उठाया है वो सब अब एग्जीबिशन पे लगा दिया है और टोटल उसकी कॉस्ट है $45 ट्रिलियन। तो मैं आज आपको ये दिखाऊंगा कि क्या क्या इन्होंने चोरी किया और क्या एग्जीबिशन पे लगाया है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं आज ब्रिटिश म्यूजियम। तो गाइज, ये है रोजेटा स्टोन और इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। मतलब इजिप्ट वाले इसको वापस मांग चुके हैं लेकिन म्यूजियम ने ऐसी सारी रिक्वेस्ट इग्नोर करी हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको दिखाने वाले हैं जो कि कंट्रीज़ डिमांड कर चुकी हैं कि उनको वापस की जाए, बट वो अभी भी इस म्यूजियम में डिस्प्लेड हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ देम। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इंडियन एग्जिबिट। तो आप ये सामने स्टैचू देख रहे हैं, ब्रॉन्ज स्टैचू है गॉड तारा का। ये गॉडेस ऑफ कंपैशन मानी जाती हैं और ये स्टैचू है 1830 का। और ये है शिव भगवान का नटराजन स्टैचू जिसकी वर्थ मार्केट में 1.5 मिलियन पाउंड बताई जाती है और ये तमिलनाडु के चोला डायनेस्टी से गायब हुआ था। नेक्स्ट हम जा रहे हैं अमरावती के मार्बल्स देखने। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द अमरावती श्राइन जो कि आज भी इंडिया में है, आंध्र प्रदेश में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट था एंशियंट इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी 1/3 ऑफ द स्कल्पचर्स ब्रिटेन ले आई थी एक्सकेवेशन करके। और ये भगवान शिव जी और पार्वती जी की स्टोन फिगर है और ये उड़ीसा से लाई गई थी। देखिए कितनी खूबसूरत है ये। और ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि इट वॉज एक्वायर्ड इन 1872। बाकी एक्वायर्ड वाली बात पे ज्यादा बिलीव हो नहीं रहा है। और नेक्स्ट है विष्णु जी का स्टैचू जो एक लोटस पे खड़े हैं और ये 11th सेंचुरी पुराना स्टैचू है जो कि बंगाल से लाया गया था। नाउ लुक एट दीज ब्यूटीफुल स्टैचूज विच वर बिल्ट इन 11th सेंचुरी। इसका आर्ट वर्क देख के ही पता चलता है कि इसमें कितनी डिटेलिंग की गई है और कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में, और वो भी उस समय पर जब इतनी मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी। और ये जो नेक्स्ट है ये चामुंडा देवी की 9th सेंचुरी में बनी हुई एक मूर्ति है जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि इनकी ज्वेलरी है वो बोन्स, स्कल्स और स्नेक से बनी हुई है जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग डिपिक्शन है। तो पहचान रहे हैं इनको? ये है हमारे नंदी भगवान। तो ये गोल्ड कॉइन्स हैं जो कि पंजाब के कोर्ट से इन्होंने कलेक्ट करे थे 1827 में। उस टाइम पे सोने के सिक्के चलते थे जो ये उठा के लाए। जब ग्रीक्स ने नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर किया था तब उन्होंने कॉइन्स निकाले थे जिसमें डबल लैंग्वेज है। तो एक तो ग्रीक वाली इंस्क्रिप्शन है और सेकेंडली है इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट विच वॉज फॉर इंडियंस। ये वो किताब है जिसमें उसने लिखा है कि किस कॉइन का क्या मतलब है। पाओ नैनो पाओ कनपाड़ी वो पंडो। और यहाँ भी पड़े हैं काउंटलेस इंडियन मूर्तियाँ और स्कल्पचर्स जो कि आप देख ही सकते हैं। साउथ इंडियन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस कलेक्शन ऑफ चार्ल्स काउली। पर्शियन किंग गेयर्स मेड बाय गिरीश। तो ये है विष्णु जी का स्टैचू। तो एक मेजर जनरल चार्ल्स स्टुअर्ट था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की थी, वो 18th सेंचुरी में इनको उठा के ले आया था इस स्टैचू को। मतलब वो कहता था ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा है क्या? मैं हर कोई यही कहता है और सब दान कर दिया बाद में। Now these are the Navgrahs, also known as the 9 planets, और ये उड़ीसा से लाया गया था 13th सेंचुरी में। सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। स्प्रिंकलर, ये वही है जो शादियों में दुल्हन के पिता सब पे
बारात पे डालते हैं, बहुत पुराने जमाने में डालते थे, अभी भी डालते हैं भाई। एंड ये है बना हुआ 1890 का। और अब हम आपको लेके चलते हैं इजिप्ट के सेक्शन में। और इस सेक्शन में आके ऐसा लग रहा है कि ये सच में इजिप्ट ही है पूरा। तो इसमें मम्मी को डालते होते थे, ये भी इन्होंने निकाल के कहीं से रखा हुआ है। ये सब आपने मम्मी फिल्म में देखा होगा। और यहाँ पे बिल्कुल इजिप्ट वाली फीलिंग आ रही है आकर। ये एक रियल डोर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। इस पे कार्विंग्स होती हैं। ये इस पे कुछ कुछ इंस्क्राइब्ड है, काफी पुराने जमाने की चीजें रखी हैं यहाँ पे। वो ये देखो कितना ही बड़ा दरवाजा है यार, मतलब हद ही हो गई। ये पूरा का पूरा उठा के ले आए हैं। हम कहाँ पे आ गए? हम आ गए ग्रीस। बेसिकली यूरोप के कुछ हिस्से मार्बल से बना हुआ है। और जी आगे है टर्की, और ये सारे सोने के आभूषण इन्होंने उठाए हैं टर्की से। अब इसकी मुंडी का नहीं लग पाएगी। और उधर भी एक रखा है, वहाँ पे बॉडी बॉडी रखी है। ये तो कहते हैं ग्रीक लोग सबसे सुंदर होते हैं और शब्द दिखानी रखी है। See the chisel, the body without the head or arms and ये गर्दन थी इनकी, पता नहीं अब कहाँ है। गर्दन थी पहले। The next is this Parthenon Gallery. जो ग्रीस है, ग्रीस के टेंपल को पार्थिनोन कहते हैं, और यहाँ पे वो जो स्कल्पचर्स लगे होते हैं उस टेंपल में, इन्होंने सारे उठा उठा के यहाँ पे लगाए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं, और ये सारे वहीं से उठाए हुए हैं। और ग्रीस ने कहा भी है कि हमें ये रिटर्न करो, और उसके लिए यूएन पे भी गए हैं वो, बट ये ना करने वाले वापस। और जो ग्रीस के भगवान थे, ये शिप उनके लिए बनाई गई है जब वो आफ्टर लाइफ में जाते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा टेंपल ही यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने, और नीचे लिखा है कि एर्कोपोलिस में पड़ा है कुछ हिस्सा इसका, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, सारा यहीं का लग रहा है। इनको प्रणाम करना जरूरी है। ये है गॉडेस वीनस, जिनको गॉडेस ऑफ लव कहा जाता था, और ये अपनी ब्यूटी के लिए फेमस थी। तो कुछ लोग चोरी से इनको देखने आए थे जब ये नहा रही थी, सो शी कवर्ड हर सेल्फ लाइक दिस, एंड ये उसी का डिपिक्शन है। ओ जी नेक्स्ट आ गया है अफ्रीका। अजीबोगरीब स्कल्पचर्स हैं, चुंबी फिगर। कलरफुल है, अफ्रीकन टेक्सटाइल। और आगे ये उनके राजाओं के कपड़े हैं और शॉल्स हैं। These are Benin bronzes, और नाइजीरियन को काफ़ी बार मांगने के लिए अप्रोच कर चुका है म्यूजियम को, बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर रिक्वेस्ट येट। जो ब्रिटिश सोल्जर्स डिप्लॉयड थे नाइजीरिया में, उन्होंने वहाँ से इसको लूटा था और ब्रिटेन में लेके आए थे। और जो बनीन कम्युनिटी है वहाँ की अफ्रीका की, वो अब जो रॉयल फैमिलीज हैं वो कह रही हैं हमें वापस करने के लिए। उसके लिए काफ़ी कुछ कुछ चल रहा है, इसकी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं अगर आप देखें तो।
चीज का बना हुआ है। All these are wooden carvings and they were made in 19th century. तो ये जो मेलों में मिल जाते हैं ना 100-100 रुपए के, ये 50-50 पाउंड के लगा रखे हैं, सी पाउंड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दें, बट डू समथिंग। तो हमें इससे पता चलता रहेगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है नहीं पसंद आ रही है, और अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम उस हिसाब से एक्ट करेंगे। बाय, टेक केयर।